हाँ तो अशर अनम को कोई गिफ्ट देने लग गए। अभी 11 बज रहे हैं, अभी बर्थडे शुरू नहीं हुई है और आप इसकी शक्ल देख ले, हम इसके लिए कोई केक नहीं मंगा रहे। आओ पर मैं ये गिफ्ट लेकर आई हूँ अनम का, जो कि अनम रात भर रोना गाना करती रही है कि मेरा ना केक आया ना गिफ्ट, इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ। और केक तो शर की वजह से नहीं आया था, अभी मैं इसको छुपा दूँगी ताकि उसको पता ना चले। जंगली आदमी की वजह से मेरा सारा सरप्राइज कुमैल ने ख़राब किया, ये जो मैं अनम को देने वाली थी ज़्यादा फजूल नहीं कर। हमारा केक आ गया है जो सरप्राइज को है कम्प्लीटली हमारा ख़राब कर दिया। कल से हम अनम को तंग कर रहे थे कि कोई केक कोई चीज़ वीज़ हम लोग नहीं कर रहे, तो दोस्तों से मना कर आ गए। और वो है बदतमीज आदमी, ये पहले भी वीडियोस में देखा होगा आपने एक दो दफा, भूल गए तो याद दिला दूं। अरे भूखे से याद आया, मैं गिफ्ट भी तो लाई हूँ, गिफ्ट भी तो है मेरे पास, तुम्हारी तरह नहीं खाली हाथ आ जाए कोई। ये मेरा प्लान था, ये मैंने बताया ना अनम को पूरा पागल बनाने का प्लान भी मेरा था और ये भी मैं ही लाई हूँ। और छुरी से नहीं जबान कटती, काश अनम तुम्हारी जबान कट जाती, जो तुमने आज मुझे इतनी बातें सुनाई है ना तो तुम्हें पता चलता। ओ नहीं अभी नहीं निकालना, बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं निकालना अभी। प्रू के क्लिप में कि मैं अनम के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये लो साफ करके हाथ साफ करो, साफ सुथरा बैग है इतना अच्छा। ये मुनीर ने बुके दिया, ये कुमैल कर रहे हैं ना, ये मेरा गिफ्ट है। दो हाँ, और ये भी अनम ने आज न्यू ड्रेस पहना हुआ है, अनम ने अपने आप को दिया। मुझे नहीं पता था इसके बाद, ये तो मैं देख लिया, आज ही लिया है क्योंकि मैंने, मुझे लग रहा है नाज़रीन मैंने घर वालों को बहुत बातें सुनाई, आज इतनी बातें सुनाई कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बातें नहीं सुनाई, इसकी वजह से मेरे लिए एहतमाम क्या था, वरना मुझे आसान नहीं लग रहे थे कि इस दफा मेरी बर्थडे। आप देखिए कितना अच्छा वो बलून भी फुस हो गया, इसकी एक पूरी है पैसे का, बहुत ही अनम तुमने ओवर एक्टिंग की है। देखो ये मेरा गिफ्ट है, मैंने लिया है अनम, जब पहने की तो दिखा देगी, वो लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे प्यारी बहना। बता रहे हैं आज अनम ने पूरा दिन जिंदगी में पहली दफा इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने से हमने मना कर दिया, और हम लोगों ने बोला कि कुछ नहीं आ रहा है, ना गिफ्ट ना केक ना कुछ, बिल्कुल कोई हम लोग घर में कुछ भी नहीं करेंगे, और हमने सिर्फ इससे डिमांड की थी कि तुम हमें बाहर खाना खिलाओगी। तो अनम ने क्या हमें आकर अभी बातें सुनाई है बताएं, और मुझे कितनी बद्दुआएं दी है इसने। और इसको मैंने कल रात में बोला था केक ले और ये क्यों नहीं लाए, बताना बताओ, शॉप वॉप बननी थी तुम आए लेट हो,
और ये नहीं लाया, और ये भी अभी मैंने जबरदस्ती बोल बोल कर मंगाया के ले आओ। और लेकिन ये क्या बातें सुना रही थी बताना, घर का कोई फर्ज ऐसा नहीं है जिसको इसने बातें ना सुनाई हो। सिर्फ जिंदगी में पहली दफा हमने मना कर दिया कि हम तुम्हारी बर्थडे नहीं मना रहे, तो इसने मुझे ये बोला। हमारी मेरी भी एक ही दफा आती है। हाँ हाँ देखा, मम्मा बता रही है। क्यों अभी 16 जून खत्म थोड़ी हुई है? 16 को ही है, 16 को ही करेंगे। तो इतने दिन बाद मैंने कोई ब्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि मेरी बहुत दिनों से तबीयत खराब चल रही है और मैं अभी तक ठीक नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि आंगा बच्ची का मुंह नहीं रुक रहा, डॉक्टर ने सब मना किया है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में हमको बर्थडे विश करना भी ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी एक न्यू और इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाऊंगी। अशर के साथ लास्ट टाइम बनाया था ना, इसलिए वो बैड लक साबित हुआ। लास्ट टाइम तुम्हारे साथ ही था ना, जब भी उसके बाद मैं बीमार हो गई हूँ। वंडरलैंड शायद वही वाला बनाया ना मैंने, लड़ाई नहीं, मैंने वो वाले बीटीएस शूट किए थे। आइंदा अशर को नहीं लूंगी व्लॉग में। तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।